हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। सुबह सुबह सब लोग उठ गए हैं। आज फाइनली धूप दे दिया, यहाँ पे देख सकते हो इतना तेजी धूप दिया है। और वहाँ पे भैया दवाई मार रहे हैं और यहाँ पे हम लोग का ये पतलू मैन पता नहीं ऐसे सुबह सुबह घूम रहा है। और दीदी तो हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस जो कल हम लोग रील्स बनाए थे उसे सफा करने के लिए दीदी हैंडपम्प में गई और दीदी का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है पूरा कलर इतना गया, ऐसे हो गया, पूरा फेक है। मनोज का है ये रास्ते छोड़ के आया और मंजिता और मुझे भूख लग रही थी तो यहाँ पे मैंने पापड़ बना लिया है और यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। चावल को बिता दिया है और यहाँ पे दाल को अभी जो है ये टमाटर को मैं जलाऊंगी, फिर उसके बाद चटनी खाएंगे। यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया दोस्तों और यहाँ पे हम लोग का टमाटर की चटनी बिल्कुल मिर्च चटनी की तरह दिखते है रे टमाटर की चटनी। IPL देखो ही नहीं बल्कि अपना ओपिनियन देके काफी प्राइज जीतो, वो भी Lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जैसे हु विल विन द मैच और हु विल विन द टॉस, जैसे 50 तरह के क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। Lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए Rs365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ के क्वेश्चन जहाँ आप अपना ओपिनियन बता के जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल एंड नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए Lotus365.in पे। लिंक पिन कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगी। पे है बीन सब्जी और यहाँ पे कल रात का एलिफेंट एप्पल की ग्रेवी और यहाँ पे दाल। यहाँ पे पतिदेव भी अपना टमाटर की चटनी खुद बना के खा रहे। ऐसे खाने से आत्मनिर्भर भारत बहुत ही प्यार आता है, ऐसे खाने से, खुद का काम खुद करने से। खाओ खाओ आराम से। और मंजिता दाल के साथ खाना खा रही है। आज 25 तारीख है मंजिता 15 तारीख को एकदम टाटा बाय बाय करेगी। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है तो अभी हम लोग जाएंगे हैंडपम्प में, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी ने उठ के स्वीट पोटैटो जो है कोडी थी तो वो एक आंटी आएगी वही से बेचेगी। पता नहीं ये केलो का 15 रुपया बोला है मम्मी जी ने, अभी यहाँ इसको लेके जाना होगा। सकेगी? चलो आते वक्त मैं लेके आऊंगी। और इससे देखो रिंग्स पैकेट खाई थी कल, मैं लेके आई थी जो हम लोग पार्टी में गए थे उस टाइम पे, तो यहाँ पे दो तो स्नैक मिला है और देखो नरम नरम है ना स्नैक। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरा मिट्टी मिट्टी, ये हम लोग का ये पुराना आलू है, नया करके इसे लगाया नहीं, ये मम्मी ने खोद के यहाँ पे रख दिया है टोकरी पे। अभी हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। आप लोग का वहाँ पे कितना है दोस्तों जरूर कमेंट में लिखना। हम लोग का यहाँ पे तो बहुत ही सस्ता है, जो भी सामान बेचे सब सस्ता है यहाँ पे। ये देखिए दोनों मम्मी साफ सफाई करने में, कलर कैसा हो गया, बदल गया ना। अब इसका जो मिट्टी है ऐसे हम वॉश कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, और इसे देखो इतना बड़ा है ना ये। दोस्तों मैंने नहा भी लिया है तो अभी हम लोग जाएंगे वो आधार कार्ड का ऑफिस में, तो दीदी का काम है अभी तक नहीं हो रहा है दीदी का जो आधार कार्ड है, तो मैं तो ट्यूसडे मार्केट में थोड़ा जाऊंगी क्योंकि ये हम लोग का नया टॉयलेट के लिए एक वो बर्तन चाहिए होगा, वो बड़ा वाला जो पानी रखने का वो होता है ना, तो वही लेके आऊँगी। ज़्यादा महंगा नहीं, 100 रुपीस वाला लेके आऊँगी। तो अभी जाएंगे दीदी और मैं। चलो हो गया, पहुँच गए हैं ऑफिस में। दोस्तों खुला है, अच्छा लाइट नहीं है। ये देखो कितने दिन से हम लोग आना जाना कर रहे हैं, आज भी नहीं होगा। हम लोग का घर पे भी लाइट नहीं है, पर कभी कभी यहाँ पे रहता है ना, ये मेन एरिया है तो इसलिए शायद रहेगा ऐसे सोच के आए थे। अभी देखो यहाँ पे भी नहीं है। अभी दीदी का फ़ोन जो है यहाँ फार्मेसी में चार्जिंग कर रहे। चार्जिंग टिकता ही नहीं। मेरा पुराना मोबाइल है ना, जेरी ने गिफ्ट किया था हमको सब पुराना वाला। ये जो मैं ब्लॉगिंग शूट करे वो ये लेमो ने खरीदा था, ये फोन मुझे दे दिया ब्लॉगिंग करने के लिए। और वो फोन से कैमरा उतना अच्छा भी नहीं है, ब्लॉग वीडियो वगैरह कुछ बना ही नहीं सकता। मैंने ट्राई किया था, मेंढक जैसा दिखाई देता था। तो अभी हम लोग जाएंगे ये ट्यूजडे मार्केट पे, वहाँ पे वो सामान वगैरह देख लेंगे हम लोग का टॉयलेट के लिए। बाप रे दोस्तों बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, देखिए इतनी धूप तेज है ना। अभी हम लोग तो वो सब्जी साइड में जाएंगे, वहाँ पे सब्जी ले लेंगे मिलता है कि नहीं, फिर उसके बाद
प्लास्टिक वाला वो बकेट चाहिए। अभी यहाँ आए हैं ये भैया के पास में, इसका ये प्लास्टिक का दुकान है, तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग ये छोटा वाला। छोटा वाला ठीक होगा ये बाथरूम के लिए। यहाँ से मैंने ये ले लिया है दो, ये और एक डस्टबिन 200 में। कितने दिन से जलेबी खाने का मन हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे अचानक से तो मिलता ही नहीं, और मुझे बनाना भी नहीं आती, तो यहाँ मार्केट से ये अंकल जी बना रहे हैं एकदम गर्मा गर्म, तो यहाँ से खा लेंगे। दीदी का भी मन है जलेबी खाने का। अंकल जी कितना है जलेबी? 50 का कितना आएगा? 80, 200 ग्राम। अच्छा गर्मा गर्म है ना? ठंडा है? ओ देखो दोस्तों ठंडा है। ये पकौड़ा खाने का मन नहीं है मुझे, सिर्फ जलेबी खाने का मन है। यहाँ से एक पुआ ले लेंगे जलेबी 60 रुपीस, और पकौड़ा खाने का तो दिल ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ये मूंगफली, मूंगफली बहुत ही मजा है वो खाने में, ये भी टेस्टी है, ये भी बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ से दो पैकेट ले लूँगी, एक का 20 20, और यहाँ पे जलेबी 60। जलेबी खा रहे हो दोस्तों, और पूरा सूखा सूखा है, ये ठंडा है ना, गर्मा गर्म होने से सूखता। जब हम लोग गुवाहाटी में रहते थे उस टाइम पे गर्मा गर्म अंकल जी बना देते, इतना टेस्टी है ना, पूरा गुवाहाटी जाने का ही दिल हो रहा है अभी। ये जूसी नहीं है, एकदम सूखा है। हाँ सूखा सूखा है दोस्तों। अभी यहाँ से आए हैं हम ये कपड़ा साइड में, यहाँ से क्योंकि ये गर्मी का टाइम हो गया, और हम लोग को चाहिए ये क्या बोलते हैं घर में पहनने के लिए, घर में पहनने रव्यूस। यहाँ से मैंने एक बेडशीट ले लिया है दोस्तों, ये एक ही पीस मिला है मुझे 250 में, इतना महंगा बोला है ना भैया। कम बोलेगा कि तुम्हारा आएंगे। देखो देखो बहुत महंगा बोल दिया, एक पीस लिया था मैंने, नहीं तो थोड़ा कम तीर रेट होने से दो तो लेना था, दो लेना था सही। ज्यादा ही बोल दिया 250। यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने ये बेडशीट वगैरह ले लिया, और यहाँ पे जो ये रेफर होता है यहाँ से एक पीस लिया है मैंने 200। और यहाँ पे मंजिता के लिए दीदी देख रही है, ये कॉटन का है, बहुत ही ठीक होगा गर्मी का टाइम में, तो लेंगे कि नहीं, और मेरे पास तो पैसे भी खत्म हो गए। हाँ ठीक होगा ना दोस्तों, मैंने बस 500 घर से लेके आई थी, तो मेरा जो पैसे ख़त्म हो गया ये सामान वगैरह लेने से, तो अभी एक भैया से मैंने हेल्प मांगा है, उन्होंने मुझे हेल्प कर दिया लेमो से, लेमो ने तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया भैया को, तो भैया ने मुझे कैश दे दिया है यहाँ। अभी मुझे वही पैसों से पेट्रोल डालना पड़ेगा, अभी जाएंगे सीधा डिपो में। यहाँ से हम लोग 300 का तेल डाल के लेके जाएंगे। अरे यहाँ थोड़ा हवा आ रही है बाहर में निकलने से, इतना गर्मी है ना, और मुझे प्यास भी लग रही है, बहुत प्यास लग रही हो गया गर्मी में, पूरा देखो हालत ख़राब हो गया। यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम ले लिया है, और यहाँ पे एक मिरिंदा, यहाँ पे भैया लोग का जनरेटर है, तो यहाँ से चलता है। घर पहुँच गए हैं दोस्तों, और इतनी धूप थी ना, बाप रे अब से नहीं निकलूँगी, शाम शाम को निकलूँगी, पूरा माथा चक्कर दे रही है। और यहाँ पे बुज्जे तो देख रहा है, बुज्जे आज सिर्फ जलेबी लेके आया है और बाकी कुछ नहीं, और भूख भी लग रही है, सुबह ब्रेकफास्ट की थी थोड़ा थोड़ा, अभी फिर से मैं खाना पकाऊंगी। तो दोस्तों घर पहुँचते ही मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया है, और अभी मैं खाना पकाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये उस दिन हम लोगों ने जो ये फिग फ्रूट लेके आए थे ना, अभी जो है इसे मैं छीलूँगी, तो उसके बाद छोटे छोटे कटिंग करूँगी। और मैंने बाजार से एक बेडशीट लाई थी, तो मेरा रूम जो है एकदम अच्छे से मैंने सफा कर दिया, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए अभी बहुत खूबसूरत लग रही है बेडशीट, जो ये कॉटन का है, सोने में भी मज़ा आएगा। और यहाँ हम लोग का रूम पे अभी तक ये बेड वगैरह नहीं है, अभी नया करके बनाना पड़ेगा, जो दुकान में बेचता है वो उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा लकड़ी का वो होता है ना बहुत सुंदर करके, वैसे ही बनाएंगे हम लोग अभी फिलहाल के लिए, ऐसे मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जो है ये सब्जी को काट भी दिया है, ये फिग फ्रूट को, तो यहाँ पे इसको ऐसे भिगो के रखनी पड़ेगी, नहीं तो इसमें कलर आ जाती है। और यहाँ पे मैंने पानी भी दे दिया, इसमें नमक दिया है और थोड़ा सा मिर्च, और इसे मैं सबसे पहले पानी को उबलने देती हूँ, फिर उसके बाद इसे डाल दूँ। ना तेज़ी धूप दे रहे हैं ना आज, तो उस कारण हम लोग यहाँ पे ये सोलर लाइट को चार्ज दे रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत पुराना हो गया, ये हम लोग कहते हैं सन किंग,
ये लाइट को, और ये उस दिन लेमो ने खरीद के लेके आया था मार्केट से। ये उतना तिकता नहीं क्योंकि उसका जो चार्ज होता है एक घंटा ऐसे रहने से फिर अपने आप पूरा डाउन हो जाता है। तो लाइट आजकल नहीं आएगी शायद, क्योंकि किसी का घर जल गया है करंट के वजह से। तो सब हम लोग का यहाँ का सर्कल पूरा बंद है, लाइट अभी तक आएगा ही नहीं, तो फ़ोन को कहाँ चार्ज करेंगे। और हम लोग का पावर बैंक भी ख़त्म हो गया, चार्ज नहीं ले रहे, चार्ज भी ख़त्म हो गया। मेरा तो पहले से चार्ज नहीं लेता है, अभी मेरा फ़ोन जो है अभी सिर्फ 34% है, यही से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो क्या ही करे दोस्तों, हम लोग के पास तो सोलर भी नहीं है। मैंने जो ये फिग फ्रूट की सब्जी बनाई थी, यहाँ पे देखिए चावल की ग्रेवी दे दी थी मैंने, अभी यहाँ पे ये लौकी के साग लेमो ने लाया है बितुल जमाई का घर से, और इसको देखो मनोज दोस्त ने ये शर्ट दिया है इसको गिफ्ट, और ये पेन भी मैंने दिया है तेजू मेला से, हीरो है ना, हीरो है सब लड़की फिदा है कमेंट सेक्शन में। ये लो, उसके बदले में चलो, थैंक यू। अभी हम लोग का लंच, और दीदी भी आएगी अभी, यहाँ पे दीदी का ताली निकाल दिया है, अभी खाएंगे हम तीनों एक ही साथ में, बहुत ही भूख लग रही है। बहुत टेस्टी हुआ है पिक फ्रूट का सब्जी। अच्छा, पहले वाला से भी ज्यादा टेस्टी इस बार। अच्छा, और मंजिता मानवी लोग का घर पे गई है, वहाँ पे खाना खा लिया वो तो, और मम्मी तो गई है वो किसी का घर के पूजा पाठ में, तो मम्मी को सुबह जाने के लिए बोला है। अभी सिर्फ घर में सिर्फ हम तीनों हैं, तीनों भाई बहन ने अपने पति को ही भाई बोल दिया बहन जी। चलो, और यहाँ पे लौकी के साग बॉयल, लौकी के साग फेवरेट है मेरे लिए, बहुत अच्छा है लौकी के साग। तो अभी खा लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में ब्लॉग स्टार्ट करूंगी बनाने का, अभी खाने का नहीं दिखाऊंगी। दोस्तों मैंने तो खाना खा लिया है, और ये दोनों भाई बहन अभी भी खाने में लग गए हैं, पूरा फिनिश कर देंगे। अच्छा अच्छा, लंच चल रहा है। और मैं तो ज्यादा खा नहीं पाती हूँ, दो प्लेट खाया है मैंने, एकदम फिनिश कर दिया दो प्लेट का। वाह, और दीदी का प्लेट भी कम है क्या? मैंने भी दो राउंड अभी दाल के साथ खाया। अफ्तर सर्जरी, आज पूरा पेट भर के खा रहा हूं पहली बार। हम लोगों ने लंच भी कर लिया है, तो डिनर के लिए हम लोग फिर से सब्जी ढूंढने जा रहे हैं, जो हम लोग कहते हैं मीदे बेगोल। देखो दरा दिया मुझे, मीदे बेगोल भी जी लेने जा रहे हैं। यहाँ पे दीदी ने बर्तन भी ले लिया, और एक चीज देखो ना, क्या ये फूल में सीट आता है, मुझे पता नहीं है। अरे मुझे भी तो इतना बड़ा गंदी फूक हुम्बा है, गंदी फूक हुम्बा है ना ये हुम्बा है। और तो कर गया जाते जाते दोस्तों, मैं 11 एप्पल की ये काट काट के ली हूँ, तो इतनी मीठी है ना, ये तो 12 एप्पल है, मुझे लगा 11 एप्पल है। बहुत ही मीठा है, तीनों ने एक एक टुकड़ा खा लिया। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल घर के सामने यहाँ पे हम लोग का फैशन फ्रूट, पूरा अंदर अंदर में इतने सारे फ्रूट लग गए ना इस बार, तो पूरा ये फ्रूट के वजह से मालामाल हो जाएंगे हम लोग। किस किस को खाना है, नेक्स्ट मंथ को आइए। हाँ, उस टाइम पे पक जाएगा ये, मैंने सुना है ये बहुत महंगा बिकता है, लेकिन हमारे इधर में तो फ्री है। फ्री में किसको टेस्ट करना है? चलो हम लोग इसको ये अमेजोन पे बेचेंगे, चलो एक का 10 रुपया। नहीं यार सच में, जिसको भी खाने का दिल है नेक्स्ट मंथ में आ जाइए, क्योंकि हम लोग ये नेक्स्ट मंथ मई महीना में शायद पकेंगे। पकने से बहुत ही टेस्टी होता है, सबसे ज्यादा ड्राई करने में इतना खुशबू भी मजे से आते हैं ना। जब हम लोग ईटानगर गए थे तो नाहरलगुन से बापी दी का मदर इन लॉ ने मुझे दिया था, आते वक्त मेरा जो वोमिटिंग होती है उस टाइम पे वो खाने से ठीक होती है बोला, फिर मैं उसको नहीं खाई, सीधा घर ले गए, सभी ने मिल के खा लिया उसे, इतना टेस्टी था ना दीदी। मुझे कहाँ खाने को मिला था? नहीं मिला था, नमसाई में थी, काम कर रही थी। अच्छा, यहाँ आधे रास्ते पे मुझे मिल गया है, ये देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग मीदे बेगोल, तो इसे जो है हम लोग पहला ब्लॉग में भी दिखाया था मैंने। पहुंच गए हैं हम लोग ये पेड़ के नीचे में, बहुत ही काते होते हैं ये देखिए, बहुत काते हैं, और उतना ज्यादा भी नहीं है, बहुत ही संभाल के तोड़ना पड़ता है। यहाँ देखो, नहीं तो लग जाए। चलो पहले तोड़ लेते हैं, हमें बस इतने ही मिले हैं दोस्तों, और पूरा पेड़ को चीर चार कर दिया नहीं है, इसे जो यहाँ पे फूल है ना इसे फिर से ये लग जाएंगे, तो ऐसे रख दिया फ्लावर को। अभी जाते हैं इसका साफ सफाई करेंगे, फिर उसके बाद इसका सब्जी बना के भी रखेंगे, फिर हम लोग जाएंगे मनोज दोस्त का रिजॉर्ट पे, तो वहाँ पे हम लोग नहाएंगे। उस दिन नहाए कितना मजा था मंजिता के साथ, दीदी तो पूरा लेट हो गई। यहाँ पे देखिए दोस्तों,
ये जो अभी अभी हम लोग ये बेगोल भिजी का सीट लाए ना, ये हम लोग कहते हैं बेगोल भिजी। तो यहाँ पे दीदी ने ये सफ़ा करने के बाद इसे ऐसे रख दिया, इसका जो वो होता है ना डंडा उसे फेंकनी पड़ती है। और यहाँ पे हम लोग का ये बना रही है सब्जी, और यहाँ पे लेमो के लिए एकदम ग्रीन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हो एक और नए ब्लॉग के साथ, अभी हम लोग जाएंगे रिजॉर्ट में, वहाँ नहाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय एंड गुड नाइट सभी को।